हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लीना भंभानी है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज के लेक्चर में मैं आपको फॉल सीलिंग इंस्टॉलेशंस, प्लानिंग सेक्शंस और उसमें डलने वाली कंसील्ड लाइट्स के बारे में बताऊंगी। फॉल सीलिंग या सस्पेंडेड सीलिंग अपन जब बनाते हैं तो हम उसको किस लिए बनाते हैं? सबसे पहले हम ये देखें, स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स को कंसील करने के लिए सस्पेंडेड सीलिंग्स को बनाया जाता है। सस्पेंडेड सीलिंग बनाते समय जो सेक्शंस हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, हम सेक्शंस यूज करते हैं, उसमें एल्यूमिनियम या स्टील टी बार्स को यूज करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जिसको स्ट्रैप और वायर हैंगर से सीलिंग से सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन जितना हम नीचे रखते हैं तो जो उसका ये हॉलो स्पेस है वो यूटिलिटीज एंड रिटर्न एयर के लिए काम करता है। यूटिलिटीज इन द सेंस, हम जितनी भी वायरिंग है उसको यहाँ करेंगे, अगर हम एसी दे रहे हैं कैसेट फॉर्म्स तो वो भी यहीं पे उसके पॉइंट्स आएंगे। सो दिस स्पेस ये यूटिलिटीज एंड रिटर्न एयर के लिए काम करेगा। ये जो हम देख रहे हैं टी सेक्शंस के ऊपर, ये बॉटम सर्फेस जो हमें विजिबल होता है, ये सीलिंग की फिनिश्ड सरफेस होती है। ये फिनिश्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, दे कैन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस शीट्स, जिप्सम बोर्ड की शीट्स भी हो सकती हैं, या फिर हम प्लाईबोर्ड या किसी भी मीडियम को जब हम यहां लगा रहे हैं तो बॉटम से हमें ये फिनिश्ड सरफेस दिखता है। ये जो मैंने अभी आपको सेक्शन दिखाया उसी का एक 3D इमेज है। दिस इज हाउ ए फ्रेमवर्क पहले हम टी बार्स से बनाते हैं। ये टी बार्स स्टील और एल्यूमिनियम दोनों की होती है। ये हैंगर्स आपको दिख रहे हैं जो हम सीलिंग से सस्पेंड करते हैं, और ये आपकी फिनिश सरफेस है सीलिंग टाइल। ये आपका हैंगर है, हैंगर एंड टी जो स्टील और उसमें है, आप इसके साइजेस देखिए, दिस इज 1.5 इंचेस बाय 1.5 इंचेस। और ऊपर जो स्ट्रैप या हैंगर हम जो सीलिंग से सस्पेंड करते हैं ये होता है 1/4 इंचेस बाय 1/2 इंच। इस तरह से हम सीलिंग प्लान को बनाते हैं। सीलिंग प्लान में हम अपने सारे सीलिंग के लेवल्स दिखाते हैं। आप इस प्लान को देखेंगे तो क्योंकि ये कॉलम स्ट्रक्चर है, इसमें इस जगह पे कॉलम्स हैं, दैट मींस ये जो लाइन रेड दिख रही है आपको, यहां से बीम नीचे सस्पेंड होगा। तो अगर ये बीम जिस भी हाइट पर आ रहा है, अगर ये बीम 9 इंचेस का है तो दैट मींस कि हमें जो ये जो एरिया है इसको हमें 9 इंचेस से कम सस्पेंड नहीं करना है, उसी से हमारा बीम कंसील होगा। तो इस लेआउट में आप देखिए, बीम कंसील करने के लिए ये पार्ट 9 इंचेस की लेवल पे डिजाइन है, फिर 4 इंचेस एंड 6 इंचेस, ये 8 इंचेस है। इस तरह से हम अपने सीलिंग के डिफरेंट लेवल्स को एक प्लान में शो करते हैं। लाइट्स की हम बात करें तो सारी तरह की कंसील लाइट्स हम अपने सीलिंग प्लान में दिखाते हैं। आप देखेंगे एक ये कंसील लाइट दी हुई है, दीज आर कंसील सीलिंग लाइट्स, और एक ये जो आपको लाइट दिख रही है ये लेजेंड नीचे है, दिस इज कोव लाइटिंग। कोव लाइटिंग में जो लाइट सोर्स होता है वो कंप्लीटली हिडन रहता है और सिर्फ हमें लाइट का रिफ्लेक्शन नजर आता है। सीलिंग लाइट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक होती है कंसील लाइट और एक होती है कोव लाइटिंग। कंसील लाइट्स में हमें उसका फिक्स्चर नीचे से, जब हम सीलिंग को देखते हैं तो हमें वो फिक्स्चर नजर आता है। ये फिक्स्चर्स दो शेप्स में अवेलेबल होते हैं, सर्कुलर एंड स्क्वायर। इनके वॉट्स की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट वॉटेजेस आते हैं। ये लाइट्स 6 वॉट्स में भी आती हैं, 12 वॉट्स में भी आती हैं और 18 वॉट्स में भी आती हैं। 6 वॉट्स की लाइट यदि हमें लगानी है तो उसके कटिंग के लिए हमें 4 इंचेस का स्पेस चाहिएगा। 12 वॉट्स की लाइट हमें लगानी है तो उसमें जो कटिंग स्पेस चाहिए वो हमें 5 इंचेस का चाहिएगा। 18 वॉट्स की लाइट यदि हम सीलिंग में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें 6.5 इंचेस का कटिंग स्पेस चाहिए। अगेन जब हम कंसील लाइट्स की बात कर रहे हैं, मैंने बताया वो दो शेप्स में आती हैं, सर्कुलर एंड स्क्वायर। इनकी साइजेस अगेन ब्रांड्स पे भी फर्क पड़ता है। एक बात करूं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जो फिलिप्स की जो कंसील लाइट्स आती हैं वो 5 वॉट्स, 10 वॉट्स, 15 वॉट्स एंड 22 वॉट्स में
आती हैं और उनकी जब हम कटिंग करते हैं तो 5 वॉट्स के लिए 3 इंचेस, 10 वॉट्स के लिए 4 इंचेस, 15 वॉट्स के लिए 5.5 इंच और 22 वॉट के लिए 8 इंच हमें कटिंग करनी रहती है। सेलेक्शन करें हम लाइट की साइजेस का, लाइट की साइजेस की सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका जो वॉटेज है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज होती है। अगर हम वॉटेज की बात करें, अगर एक रूम साइज बड़ा है, एक तुलना करें अगर एक बेडरूम है तो वो छोटा है, एक डाइनिंग रूम है तो उसकी साइज बड़ी है, तो वहां पे हम हायर वॉटेज को सेलेक्ट करेंगे और बेडरूम में हम लोअर वॉटेज की लाइट्स को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग हॉल में हमें 12 या 18 वॉट्स की लाइट लगानी होगी और बेडरूम में जब हम प्लानिंग करें तो हम 6 वॉट्स की लाइट से भी काम चला सकते हैं। फंक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ इंटीरियर स्पेस के अकॉर्डिंग भी हम इन लाइट्स की साइज का चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 एंड 22 वॉट्स की जो कंसील लाइट्स हैं वो लार्ज कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस में यूज होती हैं। दूसरा तरीका है लाइटिंग सीलिंग में करने का, कोव लाइटिंग। कोव लाइटिंग जो मैंने आपको बताया जिसमें हमें लाइट सोर्स नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन मिल रहा है। कोव लाइटिंग सोर्स कंप्लीटली हिडन होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रिप लाइट्स एंड रोप लाइट्स।